अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ क्रीमी दही भले चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मूंग की दाल और 1 खाने के चम्मच जीरा और 4 मैंने लिए साबुत सुरख मिर्च। तो अब इन सब चीज़ों को जो है ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर जो मूंग की दाल थी, जीरा और साबुत लाल मिर्चों का हमने इसे पाउडर बना लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन और यहाँ मेरे पास है 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय के चम्मच अदरक पाउडर और आधी चाय की नमक मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। तो इन सब चीज़ों का इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें पानी ऐड करेंगे। मिक्सचर जो है उसको हमने बहुत ज़्यादा थिक रखना है, बिल्कुल भी ये पतला नहीं होना चाहिए। तो पानी सिर्फ इतना ही ऐड करेंगे कि ये अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाए। यहाँ पे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके साइड पे रख देंगे। यहाँ पे इमली और खजूर की चटनी रेडी करने के लिए मैंने लिया है 6 खजूरें, आधा कप मैंने लिया है इमली का पल्प, आधी चाय की चम्मच अदरक पाउडर, 1 खाने का चम्मच शक्कर और आधी चाय की चम्मच सौंफ पाउडर, आधी चाय की चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच मैंने लिया है नमक और आधी चाय की चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और ये है आधी चाय की चम्मच अदरक पाउडर। शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप पानी, उसमें ऐड करेंगे 6 खजूरें। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप जो इमली का पल्प था वो। अब ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे चटनी जो है उसको अच्छी तरह से हमने पकाया है कि वो थिक हो गई है। तो जब वो थिक हो जाए तो उसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद उसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे चटनी जो है उसको ठंडा करने के बाद हमने ग्राइंड कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारी चटनी है इमली और खजूर की वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दूध। जैसे दूध बॉयल होना शुरू होगा तो इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच लिया कॉर्नफ्लोर, उसको पानी में मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच लिया कॉर्नफ्लोर और उसको पानी में मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। और अब हम इसको दूध में ऐड कर देंगे, साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पे दूध जो है वो थिक हो चुका है तो अब हम इसको साइड पे रख लेंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे ऑयल जो है वो गरम हो चुका है तो हमने जो है इसमें मिक्सचर ऐड किया है दही भल्लों का, जो मूंग की दाल के हमने भले रेडी करने हैं वो। तो ये जो है हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको पकाएंगे। यहाँ पे जो भल्ले हमने फ्राई किए थे वो सारे हम पानी में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो दही, उसको अच्छी तरह से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और उसमें मैं ऐड करूँगी क्रीम 2 टेबलस्पून। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे अच्छी तरह से क्रीम जो है मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड किए पाउडर शुगर 1 खाने का चम्मच और ये 1 खाने का चम्मच और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें पाउडर शुगर ऐड की है
इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो दूध हमने उसमें कॉर्नफ्लोर डाल के उसको पकाया था वो वाला दूध हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे भले जो हैं उनको हम अच्छी तरह से निचोड़ के पानी से तो अलग से निकाल लेंगे। इस तरह से यहाँ पे जो दही हमने तैयार किया था वो डाल देंगे इसमें। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी चाट मसाला। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ऐड की थोड़ी सी पापड़ी। तो यहाँ पे हमारे क्रीमी दही भले जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी।